ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेके है, और ट्रांसफ़र पॉलिसी में जो हमारा फील्ड कर्मचारी है, तो मानव संपदा के अंदर कहीं पे स्थानांतरण निजी हित में जाना भी चाहता है तो उसकी एप्लीकेशन अपलोड नहीं की जा रही है। यह दिशा से अभिनता स्तर का मामला है, जिलों स्तर का। तो बहुत कम ही कर्मचारी हमारे ट्रांसफ़र में जाते हैं जो निजी हित में जाना चाहते हैं, उनका भी हस्तांतरण नहीं किया जा रहा है। और पूरा विभाग में बैठे हुए अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे रणनीति हमारा जो है, कल का धरना लगा हुआ इसी मुद्दे का, वो कर्मचारी वेलफेयर की बात करेगा और उस पर सरकार से लेकर विभागाध्यक्ष तक निर्णय लेने की भी क्षमता उनके पास बढ़ेगी, क्योंकि सब एक जितने संगठन जो बिना मान्यता प्राप्त है ये झुंड बना के चलते हैं और एक दबाव बनाते हैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट के ऊपर कि हमारी सुनी जाए। तो ये झुंड खत्म हो और ये गुंडागर्दी खत्म हो और मान्यता प्राप्त संगठन केवल काम करें, यही हम सोच रहे हैं उचित होगा सरकार के लिए, विभाग के लिए। जी, एक दिवसीय धरना रहेगा? कल हमारा एक दिवसीय धरना है, और प्रमुख सचिव जी ने निर्देश भी दिया था, हम जो मिलने गए थे, कि हम इसको सभी संगठनों की मान्यता प्राप्त सूची मंगा रहे हैं, और जो मान्यता प्राप्त सूची नहीं दे पाएंगे उनके जो फर्जी संगठन चलाने के जुर्म में उनको निश्चित ही जिले बाहर स्थानांतरण किया जाएगा, ये उन्होंने आश्वासन भी दिया। तो उसके ये नीति को लेकर के आपकी क्या मांगे और क्या समस्याएं आप लोग को आ रही है स्थानांतरण नीति को लेकर? स्थानांतरण नीति हमारे जो भी कर्मचारी ट्रांसफ़र जाना चाहते हैं, निजी हित में जाना चाहते हैं, फील्ड कर्मचारी हमारे हैं और बहुत निचला तबका है, बेलदार, हेल्पर, चौकीदार, ये सब जो है निजी हित में ही जाना चाहते हैं, कहीं मुश्किल से 10% हो पाते हैं, मुश्किल से 10%। तो कम से कम उनके तो स्थानांतरण निजी हित में कर दिए जाएँ, जिससे उसमें सरकार भी कोई व्यवहार नहीं पड़ता है, क्योंकि उनको निजी हित में जाने में कुछ मिलता नहीं है, यात्रा भत्ता भी नहीं मिलता, कुछ दिया भी नहीं जाता, वो ऐसे भी नहीं कुछ होता। जी, हमारी मांगे जो है स्थानांतरण को लेकर के है। हमारे देखिए, हमारी मांगे तो बहुत सारी हैं। हमारा 12 सूत्री मांग पत्र जो है अक्टूबर 23 से चला रहा, और इसी बीच में हमारा इनके मुख्यमंत्री मुख्यालय 2 से 1 दिसंबर 2023 को वार्ता भी हुई और उसकी कार्यवृत्ति भी जारी हो गई, मगर हम कह रहे ठीक है आप हमारे काम धीरे धीरे आप करिए, मगर कार्यवृत्ति का हमारा जो 11 से 12 नंबर का जो बिंदु था उसमें था कि विभाग में जो फर्जी संगठन चल रहे हैं इन पे नकेल लगाई जाए और इनके पदाधिकारियों को एक जनपद से हटा करके दूसरे जनपद में आप स्थानांतरण कर दीजिए। अगर आप दो जनपद के स्थानांतरण अगर आप कर देंगे तो पूरे प्रदेश में भगदड़ मच जाएगी और कोई भी संगठन, कोई भी हमारा कर्मचारी फर्जी संगठन चलाने के लिए एक बार सोचेगा कि संगठन फर्जी कैसे, चूँकि उसके दहशत पैदा हो जाएगी कि हमें जो है स्थानांतरण हमारा हो जाएगा, हम जिले से बाहर चले जाएंगे, ये फर्जी संगठन बंद हो जाएंगे। और इसमें शासन ने भी आदेश कर रखे, जो मैं जिस संगठन की बात कर रहा हूँ श्रमिक संघ की, 27 जनवरी 2003 को शासन ने उसको प्रतिबंधित कर रखा है कि ऐसे संगठनों से कोई वार्ता न की जाए। और हमारे प्रमुख ममता महोदय जो टी राम साहब जो 2003 में उन्होंने 13 संगठनों की सूची भी जारी की, मैं उस संगठनों की सूची के लेकर के अगर लोक निर्माण विभाग में ये 13 संगठन की अतिरिक्त अगर कोई संगठन पैदा होता है इस पे कार्रवाई की जाए और स्थानांतरण नीति की कार्रवाई की जाए, हमारे स्थानांतरण जो हमारा कर्मचारी है इनका स्थानांतरण किया जाए, इसी मुद्दे को लेकर के हमारा धरना लगा हुआ है और एक दिवसीय धरना है केवल।